आने वाली गर्मी का सितम आगे भी जारी रह सकता है। दिन में हीट कर्फ्यू लगा, रात में कहर टूटा। जल रहे हैं मैदान, पहाड़ों पर छूटे पसीने। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तल्ख है। सूरज ने पूरे इलाके को आग की भट्टी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली से राजस्थान तक आसमान से आग बरस रही है। घर के अंदर गर्मी का उबाल है तो सड़क पर पांव रखते ही लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें हैं जो सूरज के सितम को बताने के लिए काफी है। हाल ये है कि भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। तो गाजियाबाद, नोएडा, भोपाल, पटना, कैथल का हाल भी कुछ अलग नहीं है। चंडीगढ़, बैतूल और देवास में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में 45 से 47 डिग्री तक तापमान तेजी से न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। मुश्किल ये है कि औसत न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में पिघला देने वाली गर्मी पड़ रही है। यहां पारा 50 के पार है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार में लू का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो इस समय जो पीरियड हमारे पास चलता है वो क्लाइमेटोलॉजी वाइज देखेंगे, साल के सबसे गर्म दिन होते हैं 20 मई से लेकर के आपके पास 5 जून तक के, तो वो पीरियड हमारे पास चल रहा है। साथ में जो हवाओं की दिशा है वो आपका पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं और जिसमें हमारे पास नमी बिल्कुल नहीं है और बीते दिनों से कोई बारिश हुई नहीं है, तो इन सबके फैक्टर के मिलाकर के हमारे पास जो है इस समय, इस बार जो देखेंगे मुंगेशपुर के जो आसपास का एरिया है, जो वेस्ट दिल्ली का आसपास का एरिया है, वहां पर 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कल रिपोर्ट किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर गर्मी का रिकॉर्ड हर रोज क्यों टूट रहा है? आखिर राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह क्या है? आखिर राजधानी का पारा 50 के पार क्यों चला गया है? मौसम विभाग की माने तो दो दिन पहले तक दिल्ली में पूर्व से नमी वाली हवा आ रही थी, जिसमें तापमान 40 से 42 डिग्री होने के बावजूद 50 डिग्री वाली गर्मी का अनुभव हो रहा था। इस बीच हवा की दिशा बदली और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगी तो राजस्थान से आने वाली लू के चलते तापमान भी ऊपर चढ़ गया। विज्ञान की भाषा में इसे ला नीना इफेक्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो अल नीनो जिस साल समाप्त होता है उस साल का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। पूरे देश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अगले दो दिनों में और गर्मी पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों की नजर अब देश के पश्चिमी हिस्से में साइक्लोन सर्कुलेशन पर टिकी है। कहा जा रहा है कि साइक्लोन सर्कुलेशन बना तो इससे अरब सागर की नमी खींचकर मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी और बारिश हो सकती है। वही बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। हालांकि सरकार की ओर से प्रभावित इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा की ओर से पर्याप्त पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में जल संकट गहरा रहा है। आज दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचकर जायजा भी लिया। तो दिल्ली सरकार का हरियाणा पर आरोप, प्रॉपर पानी वहां से नहीं आ पा रहा जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट गहराता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है।